क्या क्या खूबसूरत जगह है भगवान ने यार कहाँ कहाँ क्या क्या करिश्मे कर रखे हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, कसम से बता रहा हूँ। ये है जी जगह, विभीषण का मंदिर है यहाँ पे, तो उनको भी रिस्पेक्ट दी गई है क्योंकि भगवान का उन्होंने काफ़ी साथ निभाया, तो जो श्री राम का साथ निभाता है उसको एक स्पेशल जगह मिलना तो बनता ही है। तो वैसे भी कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो बस वही है, तो किसी बात की चिंता नहीं है फिर जब रघुनाथ साथ हैं। खुद बिलीव नहीं होता यार कभी कभी कि राम भगवान के चरण यहाँ पड़े होंगे, पता नहीं कहाँ यहीं कहीं आसपास राम भगवान वो सारी वानर सेना चली होगी और राम सेतु बना होगा। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है ना, बस इसी तरह मज़े करते रहेंगे हम। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वेट करो एक अच्छी वाली सीरीज़ का भी, तो इसी को फुल एंजॉय करो, बहुत कुछ आना बाकी है। कोई छुटिया था नहीं देखे बोल दे यार, उन्हें आएगी उन्नी आई लू मेरी बैठो। ऐसा कह रही कि साइक्लोन आया था यहाँ पे, एक चर्च है साथ में वो है 1964 में, उसमें सारा कुछ डूब गया था, तो उसका कुछ अवशेष बचे हैं आसपास वो दिखा रहे हैं। क्या नजारा है, इंडिया के लास्ट बॉर्डर है राम सेतु, इधर श्रीलंका के 18 किलोमीटर गाली हिंद महासागर, इधर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पीछे बंगाल सागर, दोनों संगम करने का जगह इधर, ये तो राम सेतु का पुल बनाया था जगह। तो अब हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जो बेहद खूबसूरत है, इतना भारी हूँ मैं। अब आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे ऐसा कहा जाता है अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, उस साइड देखोगे तो इंडियन हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और यहाँ पे संगम हुआ है दोनों का। आगे से दिखाता हूँ, सनसेट होने वाला है कुछ देर में, इतना खूबसूरत नज़ारा यार लाइफ में कभी कभी देखने को मिलता है, कहीं जाना नहीं है। चलो यार नीचे चलते हैं, हमारा ड्राइवर ना बड़ा खड़ंग है यार, बड़ा खड़ूस है। 15 मिनट में आना भैया, नहीं तो मैं चला जाएगा और फिर सीधा रूम, जगह नहीं दिखाएगा। फकत ही बात करता है भाई, तिबाड़ में जाओ तुम, कुछ ही है भाई, खतरनाक अंकल है। एक बारी चले जाते हैं यहाँ पे आगे, थोड़ा पेंट चक्की लिए ऊपर का सोनीता ये जानी सकी, ये देखो वाह पावर बहुत ज़्यादा है पानी में। अभी हाई टाइड तो नहीं है पर फिर भी मतलब प्रेशर काफ़ी है और ठंडा नहीं है पानी, और पानी साफ है यार, देख रहे हो मुंबई वालों, देख रहे हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्लिसफुल। अगर आपने भारतीय होके भारत में रह के अगर भारत के तीर्थ नहीं किए तो फिर क्या किया। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ, ये पीछे जो आपने देखा वो है बे ऑफ बंगाल, परली साइड है हिंद महासागर, तो मैं आपको हिंद महासागर लेके चलता हूँ। ये कमाल आपको भारत में देखने को मिल सकता है, जो इतने बड़े बड़े दो ओशियन मिलते हैं। अगर आप ये ठीक इधर देखोगे इस तरह, मुझे लगता है जा नहीं सकते हैं शायद, बट ये है आपका इंडियन ओशन। कहते हैं भी राम भगवान ने शांत किए हुए सागर हैं अपने तीर से, वरना पावर तो इनमें काफी थी।
तो ये तो श्री राम के बाण ही कर सकते हैं। अच्छा खासा रश मिलेगा आपको देखने को यहाँ पे। वही कह रहा हूँ, काफी ज्यादा रश मिलेगा आपको यहाँ पे देखने को। What a blissful place it is यार, divine place है, divine है, it is divine। चलो जब भी टाइम हो गया यहाँ से आगे जाने का, भाई अगली लोकेशन भी लेके चलते हैं आपको। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा आपको, मुझे तो बहुत ही ब्लिसफुल और डिवाइन महसूस हो रहा है। बस अब आगे भी सुंदर सी कुछ लोकेशंस हैं, वहाँ आपको लेके चलेंगे। फिर आज का दिन एंड होगा शाम को डिनर के साथ। अभी समय है 4 बजे, तो काफ़ी समय है अभी। आप पहुंच चुके हैं एक जगह पे जहाँ पे बोलते हैं कि भाई राम सेतु में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो यहाँ पे है। और टाइट भी हो गए थोड़े थोड़े यार, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे हैं ना, भूख भी लग गई। देखता हूँ कुछ साथ साथ मिलेगा, खाने की कोशिश करेंगे। इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है ना यहाँ पे हर जगह, कोई मंदिरों में तो इतनी प्यारी फ्रेगरेंस है, इतनी डिवाइन फ्रेगरेंस है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत अच्छी खुशबू छोड़ी होती है मंदिरों में। इस साइड बड़ा खूबसूरत सा मंदिर आया है। वाओ वाओ वाओ, मंदिर बड़ा सुंदर है। चलो जी अब आपको मंदिर दिखाएं। छोटे छोटे मंदिर है, मतलब कहीं भी घुस जाओ किसी भी गली में आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी किसी ना किसी भगवान से। ये हाल है यहाँ का। ये बोलते हैं जी वो ओरिजिनल पत्थर है जो राम सेतु का, जो पानी में तैरता था। देखो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, नेट के अंदर रखा है, ये देखो पानी में तैर रहा है ये। तो जी ना, 9:36 को हमारा टूर शुरू हुआ था और 5:16 में ख़त्म हो गया। लगा लो हिसाब, ये सब कुछ भगवान के दर्शन, रामेश्वरम के ये वो सब कुछ 5:16 पे ख़त्म। ऐसा आज अब थक गए हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मन है और घूमने का। देखता हूँ और क्या घूमा जा सकता है यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, आनंदमय हो गया अंदर से सब कुछ, राम राम हो गया सब, सभी को राम राम। तो ये जी सुंदर हसीन शाम हो चुकी है और साथ में तो किसी से मैंने पूछा कि मेरे होटल के पास में ही मेन मार्केट पड़ती है, बोलते इधर ही कहीं मेन मार्केट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फिरा मार के देख लिया जाए। इसी में ही यहाँ पे काफ़ी सारे हॉल्स, होटल रूम्स, कॉटेजेस भी हैं जहाँ आपको कोई ना कोई कमरा मिल जाएगा।
देखते हैं, बोलते मेन मार्केट है तो मेन मार्केट ऐसा क्या है यहाँ पे। मैं सोच रहा था थोड़ा समुद्र के वो सी शेल्स होते हैं ना वो कुछ ले लूँ उसका मैं घर के लिए, देखते हैं।